मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि विधान परिषद के गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक के बाद विधान परिषद का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश क्लियरेंस एक्ट 2019 पर कहा कि अब उद्योगपतियों को मंजूरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, आवेदन देने के साथ ही 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाएगी। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने विधान परिषद के गठन को लेकर कहा कि केंद्र की मंजूरी मिलते ही विधान परिषद के गठन की कवायद शुरू हो जाएगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विधान परिषद में 76 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। एमपी क्लियरेंस एक्ट 2019 पर शर्मा ने कहा कि उद्योगपतियों को मंजूरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, उद्योगपतियों को आवेदन देने के साथ ही 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द मंजूरियां मिल सकेंगी। पीसी शर्मा ने कहा पर्यटन विभाग भोपाल इंदौर के बीच फिल्म सिटी बनाएगा, साथ ही गांव में भी थिएटर बनाए जाएंगे। प्रदेश में निवेश में वृद्धि करने के लिए लाया गया था, अब इसमें आवेदन ऑनलाइन करते ही 24 घंटे में 20 प्रकार की अनुमतियां और मंजूरियां उद्योगपतियों को मिल जाएगी, जिससे उद्योग आकर्षित हों। जो मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि ये निवेश और उद्योग आकर्षण से आते हैं, न कि लोगों को अपील करने से। शर्मा ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर आरोप लगाया और कहा केंद्र को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन और अमित शाह के दौरे पर शर्मा ने कहा कि जनता भी सीए और एनआरसी को लेकर सड़कों पर है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।